देश में अब जातिवाद नहीं होता, अब सब एक बराबर हैं। ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह पर ये तस्वीरें जोरदार तमाचे की तरह हैं। कर्नाटक से ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे इस देश में जातिवाद लोगों की रगों में तोड़ रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले के हल्लारे गांव में एक नाई का हुक्का पानी इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उसने गांव के दलितों के बाल काट दिए थे। यही नहीं, गांव के जातिवादी गुंडों ने नाई पर पूरे 50,000 रुपए का भारी भरकम जुर्माना भी ठोक दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक नाई मल्लिकार्जुन शेट्टी को गांव वाले बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन शेट्टी ने कहा, ये मेरे साथ तीसरी बार हो रहा है, मैं पहले भी जुर्माना भर चुका हूँ। चन्ना नाईक और उसके साथ ही मुझे इसलिए टॉर्चर कर रहे हैं क्योंकि मैंने दलित समुदाय के लोगों के बाल काट दिए थे। अगर इस समस्या का हल नहीं निकला तो मेरे और मेरे परिवार को खुदकुशी करनी पड़ेगी। मैंने अफसरों को भी शिकायत की है। आजादी के इतने सालों बाद भी दलित समुदाय को छुआछूत और सामाजिक भेदभाव सहना पड़ रहा है, लेकिन कंगना रनौत जैसे जातिवादी लोग ये कहते नहीं थकते कि अब मॉडर्न इंडिया में जातिवाद नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।